ओके गाइस, सो टेलविंड में हम ये देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा फ्लैक्स। तो फ्लैक्स भी एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, जैसे हम काम करते थे डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, तो वैसे ही फ्लैक्स भी एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की। तो टेलविंड भी इसको सपोर्ट करता है ऑफकोर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फ्लैक्स दे देते हैं एंड दैट इज़ ऑल, ये एक प्रॉपर्टी दे दी, हमारा काम हो गया। अब ये जितना भी अंदर हमारे चिल्ड्रन होगा ना, उन सबको ये फ्लैक्स ड्राइव करेगा कि उनका लुक एंड फील बिहेवियर कैसा होगा। तो उसके लिए हम डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर पी टैग और यहाँ पे लॉरम लिख देता हूँ। प्लीज दोस्त, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा आउटपुट आ गया पर ये बैकग्राउंड आ रही है ना, कुछ पता नहीं चल पा रहा। इससे थोड़ी सी बीजी दे देते हैं, बीजी रेड। ठीक है, अभी ये आ गया। अब इसको मैं तीन बार कॉपी कर लेता हूँ, जिससे अब ये तीन चिल्ड्रन आ गए फ्लैक्स के अंदर ना। अच्छा, ये सब एक जैसे लग रहे हैं तो पता नहीं चल रहा। इसे पैडिंग वन दे देता हूँ और मार्जिन वन दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, थोड़ा सा गैप बन के आ गया, पर ये अभी भी कुछ पूरा पता नहीं चल। तो अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेड की जगह इसको ब्लू कर देते हैं, इसे ग्रीन कर देते। ठीक है, अभी ये सही आ गया। तो अब ये हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगाई एंड दैट इज ऑल गाइस, ये बाकी सारे का सारा काम ये कर लेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, इनका ना ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स कर देते हैं, अभी ये आपको कॉलम वाइज दिख रहे हैं ना, पर ये है एक्चुअली में रो में। तो रिवर्स जो होगी हमारे को रो करनी पड़ेगी, क्योंकि रो इसलिए है कि सारे का सारा हमारा रो में आ गया कंटेंट, तो इसलिए हम इसे फ्लैक्स रो रिवर्स बोलते हैं। तो जब हम करेंगे तो ग्रीन फर्स्ट आ जाएगा और रेड वाला लास्ट चलाएगा, ब्लू वाला सेंटर में, तो वो सेंटर से सेंटर ही रहेगा। ये ऐसे करके हम रो रिवर्स कर सकते हैं अगर इसमें। तो ये थोड़ा सा एक बेसिस पे काम कर लेते हैं, बेसिस बताता है इनिशियल साइज कितना होगा आपका मिनिमम। बेसिस में इसे वन दे देता हूँ सबसे कम। ठीक, ये ऐसा आ गया। अब ये किया क्यों, तो अब इससे ना हम कुछ चीज़ें जैसे बिटवीन है, जस्टिफाई बिटवीन, ये जो कंटेंट है ये सारे का सारा बीच में आ जाएगा, साइड वाइज कुछ नहीं रहेगा, लेफ्ट राइट साइड है ना। या फिर इसे मैं कर देता हूँ सेंटर कर देता हूँ, तो इस सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे, कंटेंट जो है लेफ्ट राइट आ जाएगा। या फिर इवनली कर देते हैं, इवनली में ये सारे का सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंटेंट, लेफ्ट में भी उतना होगा, राइट में भी, सेंटर में भी, सब जगह इवन स्पेस जो बचा हुआ है वो यूज हो जाएगा। इसे कॉपी कर लेते हैं और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टी हटा देते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे को पता नहीं कितना जा रहा है, तो इसकी जगह एक प्रॉपर्टी हम और यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसकी जगह ऑटो, ऑटो लगा देंगे तो आगे ये सेम चीज़ ले लेगा, पर हमें ऑटो भी नहीं चाहिए अब हमारे को। ये डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं फ्लैक्स रैप। तो फ्लैक्स रैप क्या करेगा वो देख लेते हैं। फ्लैक्स रैप भी सेम वही करेगा, बट ये आपको कोई वैसा इनिशियल कुछ नहीं देगा, इसकी कोशिश होगी सारी थिंग सारी चीज़ें रैप करके साइड बाई साइड ले आए, तो रैपर रहिए। तो इसको फ्लैक्स वन दे देते हैं। तो फ्लैक्स वन कितना होता है, 110, इसकी प्रॉपर्टी अगर फ्लैक्स वन। तो ये पहला वन जो है ये ग्रो का है, ये दूसरा श्रिंक का है, और जीरो मतलब बेसिस का है। तो ये भी फ्लैक्स रैप के साथ ये भी काम कर जाएगा। अब आ जाते हैं इसके बाद एक और मीडिया क्वेरीज के लिए। तो मीडिया क्वेरीज क्या होती है, मीडिया क्वेरीज ब्रेक पॉइंट पर काम करती है ना। तो ब्रेक पॉइंट हमारे पास कोई है अगर, तो उसका हम क्या करें, तो वो हैं हमारे पास एल जी, SM, MD, वो सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर एक बार इसे कॉपी कर, बहुत इजी है मीडिया क्वेरी को यूज़ करना। इसके लिए हम इधर गए और यहाँ पे दे दिया हमने इसे फ्लैक्स वन को भी डिलीट कर देते, इधर गए और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लैक्स कॉल, कॉलम वाइज कर देता हूँ। तो अगर छोटी स्क्रीन है तो ये आ जाए, जब लार्ज स्क्रीन आए ना तो ये रो में बदल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लैक्स हाइफन रो, तो एल जी कॉलन फ्लैक्स हाइफन रो, अब ये आ जाए है ना। और ये जो है इन्हें भी हमें थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी विड्थ कितनी है। तो विड्थ कैसे होती है, 1/4 दे देते हैं। तो ये 1/4 75% हो गई ना, तो इससे इसको 2 कर देते। अब ये 50% ये हो गए 25, तो ये 25, 25, 50, 100% हो गई। ये मीडिया क्वेरी यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी लार्ज स्क्रीन, और अब चल जाए, ये आ गया। तो लार्ज स्क्रीन पे क्या होगा, ये सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे जा गया सभी जो कर, अदरवाइज
इसको इसमें देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे कॉलम वाइज में एक कॉलम 12 पिक्सल एक कॉलम 100% विड्थ ले रहा है, और इसे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये जाके यहाँ पे साइड बाय साइड आ गया इस टाइप। तो ऐसे करके मीडिया क्वेरीज हम फ्लेक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं फ्लेक्स में, फ्लेक्स में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यही एक चीज़ है जो इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रेज कर देती है, और ये कहीं भी जाके आप किसी भी कैंडिडेट को फंसा सकते हो अगर उसने फ्लेक्स पे काम नहीं किया। तो इसलिए फ्लेक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना। दैट इज़ ऑल गाइस, आज के लिए।